Hey everyone, welcome back to my channel Love My Life. This is Keerthi and this is another vlog from my series Unseen Banaras. So as you know that I'm making a whole lot of series in Unseen Banaras, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ बनारस की कुछ popular place जो कि बनारस वालों के लिए तो popular है but अभी भी दुनिया की नज़रों से थोड़ी सी छिपी हुई है. तो ऐसी एक प्लेस में मैं आज यहाँ पे आई हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए. सो दिस इज लाइक चौखंडी स्तूपा एंड यू कैन सी दिस इज द चौखंडी स्तूपा ऑफ बनारस जो कि सारनाथ के बहुत ही पास है. तो ऑल्दो इट इज़ अ फेमस प्लेस इन बनारस बट एज यू कैन सी दैट बिकॉज ऑफ सारनाथ में आपको धमे के स्तूपा एंड सारनाथ टेम्पल की वजह से ये प्लेस थोड़ा सा ओवरलैप हो जाती है. इफ़ द टूरिस्ट आर कमिंग दे यूज टू प्रेफर द सारनाथ मोनेस्ट्री, सारनाथ धमे के स्तूपा और सारनाथ का मेन टेम्पल. तो दिस इज़ अ प्लेस विच आई वॉन्टेड टू शो यू कि दिस इज़ ऑल्सो अ अट्रैक्शन इन बनारस एंड दिस इज़ अ लाइक वेरी पीसफुल प्लेस. इफ़ यू वॉन्टेड टू कम फॉर अ मॉर्निंग वॉक यू कैन कम टू दिस प्लेस. आपको बस 20 रुपए की एक ऑनलाइन टिकट लेनी है एंड दैट्स इट. सो इसीलिए यू कैन सी दैट दिस प्लेस इज प्रिटी वेल मैनेज एंड वेरी क्लीन ऑल्सो. तो मॉर्निंग के लिए इट्स अ गुड वन. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स एक्सप्लोर द चौखंडी स्तूप ऑफ बनारस. Structure is a terraced Buddhist stupa known as Chaukhandi because of its four-armed plan. So this place is surrounded by nature and agar aap mere purane subscriber honge to aapko pata hi hoga that I just love these kind of places jo ki matlab full of greenery hote hain and जहाँ पे आपको पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है एंड इट इज़ लाइक सराउंडेड बाय सो मेनी ट्रीज एंड प्लांट्स विच इज़ मेकिंग इट मोर ब्यूटीफुल. एंड यू माइट नो कि मेरा एक सेकंड चैनल भी है किड्स क्रिएशन जहाँ पे मैं प्लांटिंग से रिलेटेड, ग्रीनरी से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ. तो अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट डू चेक दैट चैनल आउट इन माई डिस्क्रिप्शंस. So coming back to this place, so this is like a tourist place only and you do not have so many things to do here because bahut zyada bada area bhi nahi hai jisko cover karne mein aapko time lagega but yes of course you can just check it out. This is like beautifully constructed. Pehle jab bachpan mein hame kahin ghumne aana hota tha to we used to prefer this place. Ab to ye kafi maintain ho chuka hai. उस टाइम तक इतनी मेंटेनेंस नहीं थी बट स्टिल इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड वी यूज्ड टू गो अप देयर. मतलब वहाँ तक जाना अलाउड था. आई एम नॉट श्योर कि आज भी अलाउड है कि नहीं वो मुझे चेकआउट करना पड़ेगा बिकॉज यू नो जब टिकट्स लगने लग जाती है तो देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द मेंटेनेंस. सो लेट्स सी लेट्स फाइंड आउट कि हम वहाँ टॉप पे चौखंडी स्तूप में पहुंच पाते हैं कि नहीं. तो चलिए मेरे साथ. आई डोंट थिंक सो कि हम वहाँ टॉप पे जा सकते हैं बिकॉज अभी शायद अलाउड नहीं है वहाँ टॉप पे जाना एंड देर इज़ नो सच वे एज वेल. एज आई टोल्ड यू कि मतलब बचपन में इसका सीन थोड़ा सा डिफरेंट था, हम ऊपर तक जा पाते थे. अभी तो इट्स काइंड ऑफ लुकिंग लाइक इट्स नॉट पॉसिबल बट एनी वेज इट्स अ ब्यूटिफुल गार्डन एरिया वेर आई एम सिटिंग राइट नाउ. This is all surrounded by beautiful flower plants. So
मौसम भी आज कुछ थोड़ा सा अच्छा है बिकॉज हम काफ़ी अर्ली मॉर्निंग आए हैं सो दैट कि धूप हमें ज़्यादा फेस ना करनी पड़े. दिस इज मेकिंग दिस प्लेस वेरी परफेक्ट लोकेशन टू कम फॉर अ मॉर्निंग रिफ्रेशमेंट. सो चलिए आपको घुमाते हैं इस प्लेस की और दूसरी एरियाज. कुछ ब्यूटीफुल ट्रीज यू कैन सी हियर एंड इनकी पत्तियों को देख के आपका अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है. एंड दिस इज ऑल सराउंडेड बाय द अशोका ट्रीज, लॉन्ग लॉन्ग अशोका ट्रीज. दिस इज अमेजिंग. आई मीन आई डोंट नो बट मैं अपना सारा स्ट्रेस भूल जाती हूँ व्हेनेवर आई जस्ट कम टू दिस काइंड ऑफ प्लेसेस क्योंकि नेचर हैज़ अ पावर कि वो आपको इतना पॉजिटिव करता है एंड इतनी पॉजिटिव वाइब्स देता है कि आप थोड़ी देर के लिए उस जगह पे गुम जाना पसंद करोगे. बट नेचर में कुछ ऐसी खास बात होती ही है कि आप अपना सारा स्ट्रेस भूल के उस जगह को फील करना चाहोगे. बिकॉज यस, अगर मौसम अच्छा हो, हवाएं चल रही हो तो और मज़ा आता है जैसा कि अभी मेरे साथ हो रहा है. दिल्ली में तो काफ़ी इजी था मेरे लिए कभी भी मॉर्निंग वॉक पे जाना बिकॉज वहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती. यू आर लाइक इंडिपेंडेंट एंड आप अकेले भी आराम से मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हो और कहीं पे भी किसी भी काम के लिए मोस्टली आपको अकेले ही जाना पड़ता है क्योंकि एवरीबडी इज़ बिजी आउट देयर. बट यहाँ बनारस में मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है अगर मुझे कहीं जाना हो बिकॉज यू नो बनारस में व्लॉगिंग इज़ नॉट सो ईजी टास्क जैसा कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में आपको बताया ही है. तो मुझे किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है व्हेन आई एम जस्ट कमिंग टू दिस काइंड ऑफ प्लेसेस. मैं मोस्टली किसी को लेकर ही आती हूँ सो दैट इट विल बी अ आउटिंग ऑल्सो फॉर मी क्योंकि बनारस में घूमने वाली तो यही प्लेसेस है. दिल्ली के जितने ऑप्शन तो नहीं हैं बट हाँ जितने भी हैं हमारे बनारस वालों के लिए तो 80 घाट ही काफ़ी हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट. हम This is the back side of Chokhandi Stupa. This is also a quite good location for a photo shoot, I must say, क्योंकि आपको बहुत सारे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत background मिल जाएंगे आपकी photos के लिए. हमने ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा एरिया कवर कर लिया है. सी दीज मिनी प्लांट्स, दीज आर द डेकोरेटिव प्लांट्स आई बिलीव. वेल इनका नाम नहीं पता मुझे बट इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल क्योंकि ये प्लांट्स एक्चुअली फ्लावर्स की तरह लग रहे हैं. पहले आया करते थे और वहाँ टॉप पे जाते थे तो इधर कहीं से ही उसका रास्ता होता था. एज आई टोल्ड यू कि इट्स बीन अ वाइल आई हैवन बीन टू दिस प्लेस तो येस इट्स अ काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया फीलिंग विच आई एम फीलिंग राइट नाउ क्योंकि मैं अपने कजन्स के साथ यहाँ पे आती थी एंड वी यूज़ टू कम फॉर अ पिकनिक. बेसिकली जब भी मौसम अच्छा होता था तो वी यूज़ टू प्रेफर सारनाथ कि सारनाथ चलते हैं, पिकनिक पे चलते हैं. इट विल बी अ ग्रेट फन आउट देयर कि आपको ये इन्वायरमेंट बनारस के इस एरिया में इजीली मिलेगा जहाँ पे आप बारिश का टाइम एंजॉय कर सकते हो, मौसम अच्छा हो तो एंजॉय कर सकते हो. एंड सी वॉक करते करते मैं एक ऐसी प्लेस पे आई हूँ विच इज़ लाइक कवर्ड बाय ट्रीज यू कैन सी. तो यहाँ पे एक लाइन से पेड़ लगे हुए हैं एंड बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे. मैं आपको बता रही थी कि बनारस में मुझे जब भी ऐसे प्लेसेस पे आना होता है तो मैं किसी ना किसी के साथ आती हूँ. तो आज भी मैं अपनी कज़न को अपने साथ लेकर आई हूँ जो कि मेरे घर पे आई हुई थी कुछ दिन के लिए स्टे के लिए. तो मैंने सोचा कि इट्स गोना बी अ स्ट्रेसिंग वीक अगैन क्योंकि डेडलाइंस आर गोइंग ऑन तो डेडलाइंस हमेशा स्ट्रेसफुल ही होती हैं. तो लेट्स रिफ्रेश आवर माइंड बिफोर स्टार्टिंग अ डे और किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ सारा स्ट्रेस दूर हो जाए एंड आई विल बी फीलिंग पॉजिटिव.
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था दैट दिस आउटिंग इज रैंडमली प्लान्ड, एंड वो भी इसलिए प्लान हो पाई थी क्योंकि मेरी कज़न भी आई हुई थी मेरे घर, तो मैंने उसके साथ ये प्लान बनाया. तो दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई कज़न ऑन माई यूट्यूब चैनल. सो हियर शी कम्स in the picture. So she's Vartika and she's my cousin. So this is for the very first time she's coming to my YouTube vlog, and I'm very thankful to her because usne mere kai sare videos mein meri help ki hai. And if you might remember maine jo ghat walk tour ka video dala tha usme bhi she helped me a lot for like shooting and to coming with me waking up early. So yeah, I'm so thankful to her. Vartika, say hi to my viewers. Hello. तो यस, इट्स लाइक कि रैंडम प्लान था हमारा, एंड मैंने इसे बुलाया था स्पेशली बिकॉज मे बी इफ़ यू हैव सीन माई प्रीवियस व्लॉग्स, मैंने बताया ही है दैट आई एम जस्ट रेनोवेटिंग माई हाउस. तो इस बर्थडे पे मुझे एज अ बर्थडे गिफ्ट मेरे पेरेंट्स से यही मिला है कि मुझे मेरा न्यू रूम मिल गया फाइनली. आई एम सो सो मच हैप्पी अबाउट इट. दिस इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, एंड इसके लिए मैंने कितना हार्डवर्क किया है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी. सो फिर उसी रूम को सजाने के लिए एंड उसी रूम को थोड़ा डेकोरेट करने के लिए, सेटलिंग अप के लिए मैंने वर्तिका को बुलाया था अपनी हेल्प के लिए. दैट्स अबाउट इट. एंड कमिंग बैक टू दिस प्लेस, यू कैन सी अब सुबह के 8 बज चुके हैं, तो यहाँ पे क्राउड आना शुरू हो चुका है. तो पीपल आर कमिंग फॉर वॉक यूजुअली बिकॉज इट्स अ वेरी गुड आइडियल प्लेस फॉर मॉर्निंग वॉक. यहाँ पे पैसेजेस बने हुए हैं सेपरेटली वॉकिंग पैसेजेस, एंड फिर यहाँ पे गार्डन स्पेस भी आपको मिल रहा है जहाँ पे आप बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो. तो इफ़ यू आर कमिंग इन लाइक डे टाइम ऑल्सो, मतलब आफ्टरनून में भी आते हो, तब भी आपको ऐसे सिटिंग एरियाज मिल जाएंगे जहाँ पे आपको धूप का सामना नहीं करना पड़ेगा. तो यार, दिस इज़ अ मिनी टूर ऑफ दिस प्लेस चौखंडी स्तूपा. कभी बनारस का प्लान करो, कभी सारनाथ आते हो, तो इस जगह को विजिट करना मत भूलना बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी प्रिटी प्लेस. एंड बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है कि आपको घूमने में टाइम लगे. तो यार, यू कैन ईजिली कम एंड चेक दिस प्लेस आउट. सो गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो यू नो द ड्रिल, यू हैव टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी फ्यूचर वीडियोज ऑफ माइंड. And you can also follow me on Instagram and Facebook. Links are in the description. So guys, before ending this video, I would like to know कि इस प्लेस के बारे में पहले से कौन कौन जानता था एंड कौन कौन इस प्लेस को विजिट कर चुका है, सो दैट मेरा भी एक छोटा सा सर्वे हो जाए कि हाउ पॉपुलर दिस प्लेस इज. सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव बीन टू दिस प्लेस, या आपने इस प्लेस के बारे में सुना है, या आप इस प्लेस में आने का प्लान कर रहे हो. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगैन, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.